नमस्कार विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित छायावाद के प्रमुख कवि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय और उनके कृतित्व का अध्ययन करेंगे। सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं, लेकिन उन्होंने बाद में प्रगतिवाद, अरविंद दर्शन से प्रभावित मानवतावाद के बारे में भी अपने परवर्ती काव्य में इस दर्शन का प्रतिपादन किया है। खड़ी बोली कविता के विकास में इनका जो अवदान है या प्रदेय है महत्वपूर्ण है। इन्होंने हिंदी कविता को नई युग का स्वर बनाकर समाज की अग्रगामी शक्तियों के आदर्शों को अभिव्यक्ति दी है। पंत जी को अपने पदार्पण के समय खड़ी बोली के अनुकूल परिस्थितियां तो मिली, लेकिन उन्हें द्विवेदी जी द्वारा परिष्कृत उस हिंदी तथा उनके द्वारा पोषित इतिवृत्तात्मकता और नीरसता से ओतप्रोत काव्य मिला, जो द्विदी युगीन काव्य की परिस्थिति थी, इतिवृत्तात्मकता। इस हिंदी में जिस काव्योचित माधुर्य और लोच का अभाव था, उसकी पूर्ति छायावादी कवियों में विशेष रूप से पंत जी में दिखाई देती है। उन्होंने हिंदी को कोमलकांत पदावली प्रदान कर उसमें मिठास भरी और काव्य कला के बाह्य रूप को संवार कर और रचना शैली को समृद्ध कर हिंदी की आंतरिक अर्थव्यंजक शक्ति को बढ़ाया। ऐसी शब्दावली, तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग किया है इन्होंने अपनी भाषा में। हम इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 को कूर्मांचल प्रदेश के कोसानी ग्राम में हुआ और इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को प्रयाग में हुआ। तो जो जिनका जीवन काल है 77 वर्ष का। जन्म से ही मातृहीन पंत जी अपने पिता और दादी की स्नेह छाया में पले पड़े। जन्म लेते ही इनकी माता जी का निधन हो गया। इन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। आगे चलकर सरस्वती, अल्मोड़ा इत्यादि अखबारों में पढ़ करके इनका रुझान बढ़ा कविता के प्रति। 1918 में ये बनारस आ गए। 1919 में आगे पढ़ने के उद्देश्य से प्रयाग पहुंचे। यहां उनका कवि कर्म तेज गति पकड़ने लगा। 1931 में वे कालांकाल पर चले गए। फिर 1941 में एक वर्ष के लिए अल्मोड़ा रहे और 1946 में प्रयाग लौटकर वे पुनः नई सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के विकास में संलग्न हो गए। इनकी जो प्रकाशित रचनाएं हैं, उनका हमें उनके बारे में और उनका नाम हमें आना चाहिए। उनकी जो काव्य रचनाएं हैं, वीणा, याद रखें, वीणा, उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ये कृतियां छायावाद से प्रभावित, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, प्रगतिशील चेतना से संपन्न, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, युगपत, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, वाणी, शोवन, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, शशि की तरी, शंख ध्वनि, ये सभी इनकी काव्य कृतियां हैं। लोकायतन जो है इनका एक महाकाव्य है। ये कला और बूढ़ा चांद बहुत प्रसिद्ध कृति रही है। ये सभी कविता संग्रह है जो उनके उनके विचार
और दर्शन को प्रतिपादित करते हैं, उद्घाटित करते हैं। इनका एक नाटक है ज्योत्सना, कहानी पांच कहानियां नाम से एक अलग संग्रह है। इन्होंने अपनी आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन भी लिखी है। यह इनका आधुनिक संचयन, आधुनिक कवि पलवनी, रश्मि बंधु, चिदंबरा इत्यादि हैं, कुछ संचयन है। और मधुज्वाल नाम से इन्होंने अनुवाद भी एक कृति का किया। यद्यपि पंत जी की जो गद्य कृतियां हैं वह महत्वपूर्ण मानी गई हैं, लेकिन उनमें भी उनका कवि व्यक्तित्व ही प्रभावी है। यानी मूल रूप से यह एक कवि है, वो भी छायावादी युग के जो चार चतुर स्तंभ हैं उनमें से प्रभावशाली कवि। वस्तुतः काव्य की उनके अंतरतम की सबसे सशक्त और प्रखर अभिव्यक्ति है। पंत जी की अंतर्वृत्तियां समय समय पर भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों और विचार श्रेणियों से प्रभावित होकर आगे बढ़ी है। प्रारंभिक समय में वीणा से युगांत तक की रचनाएं रखी जाती है। इन रचनाओं का जो शिल्प है, कल्पना शक्ति है, प्रकृति प्रेम है, ध्वनि बोध है, बांग्ला के रविंद्र तथा अंग्रेजी के किट्स शैली तथा वर्ड्सवर्थ से प्रभावित है। इस काल में पंजी की काव्य रचना प्रकृति से मानव और कल्पना लोक से चिंतन के आलोक की तरफ बढ़ती है। अब पंत जी का ये जो शैली है, ये छायावाद की रचनाएं मानी जाती हैं, और युगांत से जो शुरू होती हैं वह द्वितीय चरण की रचनाएं हैं, जिसमें गांधी जी का प्रभाव है और मार्क्सवाद की नई चेतना की ओर उनका भावुक रुझान है। गांधीवाद और मार्क्सवाद जो प्रगतिशील चेतना की या प्रगतिवाद की रचनाएं कहलाती हैं, मार्क्सवाद से प्रभावित जो जो रचनाएं, उनके मन में द्वंद्व और असमंजस रहा। बाद में इन दोनों से अलग हो उन्होंने एक नए दर्शन, अरविंद दर्शन को अपना लिया, जो बाद में स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, लोकायतन वगैरह लिखे हैं उन्होंने, वो अरविंद दर्शन है। उसमें मानववाद का विकास है। तो काव्य विकास के अंतिम चरण में वे कल्पना और सौंदर्य से हटकर जीवन की ओर मुड़े हैं और कुछ यथार्थ धरातल की रचनाएं की। उन्होंने अपनी रचनाओं में गांव की उपेक्षित जनता के चित्र खींचे तथा नवजागरण का संदेश दिया। युगवाणी और ग्राम्य इस युग की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। इसमें अध्यात्मवाद पर आधारित मानववाद, मानवतावाद के दर्शन होते हैं। ये मानवतावाद बाद में अरविंद दर्शन से प्रभावित, लोकायतन में वे आध्यात्मिक आलोक में मानव जीवन के सत्य की ओर बढ़ते हैं। लोकायतन का महाकाव्य है और आध्यात्मिक आलोक में मानव जीवन की ओर। पंत जी की कविता के समूचे विकास क्रम को देखें तो मूलतः वे सौंदर्य के कवि हैं और यह छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है, जिसमें नारी सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य, अपना आंतरिक सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य सब कुछ आ जाता है। सौंदर्य के प्रत्येक रूप के प्रति वे आकृष्ट हुए, चाहे वह प्रकृति परक हो, व्यक्ति परक हो, विचार परक हो या फिर आध्यात्मिक हो। मगर प्रकृति जिस तरह उनकी सौंदर्य दृष्टि का सहज और स्वाभाविक आलंबन बनी, उस तरह अन्य किसी छायावादी कवि का आलंबन नहीं बन पाई। और इसका कारण इनका जो जन्म हुआ था वहां का जो प्रकृति सौंदर्य था, वहां जो सुंदरता के प्रकृति के दृश्य थे, वो वादियां थी, वो घाटियां थी, वो पर्वत थे, नदियां थी, झरने थे, बाग थे, पेड़ थे, लताएं, उद्यान सब, तो उसमें वो रमे हुए थे और वह उनके काव्य में प्रतिबिंबित हुआ। महादेवी जी ने प्रकृति का आश्रय अपनी व्यक्तिक अनुभूतियों के मूर्तिकरण के लिए ग्रहण किया और प्रसाद और निराला प्रकृति को पंत जी की तरह अपनी भाव चेतना की विशेषता नहीं बना सके। जिस प्रकार प्रकृति की सुंदरता का, सुषमा का, सौंदर्य का, सौष्ठव का इन्होंने चित्रण किया, पंत जी ने काव्य सृजन के साथ साथ काव्य के क्षेत्र में नवीन प्रस्तावनाओं
का सैद्धांतिक विवेचन भी प्रस्तुत किया। पल्लव की भूमिका ने हिंदी साहित्य में एक नई धारा का मार्ग प्रशस्त किया। ये पल्लव की भूमिका जो छायावाद को प्रस्तापित करती है। अनेक आलोचकों ने इसे आधुनिक भारत के सौंदर्यात्मक विचार के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण माना है। इसके हिंदी जगत में क्रांति उत्पन्न कर इसने पंत जी के कवि व्यक्तित्व को प्रतिष्ठापित करने के साथ साथ छायावाद की क्षमताओं और संभावनाओं के प्रति भी आश्वस्ति पैदा की है। इस बात को उठाया कि काव्य भाषा जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध तो हो ही, लेकिन उसे संगी लय शब्द अर्थ के प्रति भी सचेत होना चाहिए। यानी इनके काव्य में जो छंदबद्धता है, सुमित्रानंद पंत ने छंदयुक्त कविता लिखी है, गीत भी लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। काव्य कला शास्त्रीय रूढ़ियों से मुक्त होकर अंतर्विश्लेषणात्मक एवं मनोविज्ञान होना चाहिए। इलाचंद्र जोशी ने कहा है, पल्लव खड़ी बोली की रूखी काया में किसी सीमा तक निखार लाया जा सकता है, इसका भी एक उदाहरण। तो पल्लव की जो भूमिका लिखी और पल्लव में इनकी रचना है, एक छायावादी दृष्टि से और छायावाद को परिभाषित करने की दृष्टि से, उसकी प्रवृत्तियों को उजागर करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना है। भाषा के क्षेत्र में पंत जी नवीन शब्द निर्माता के रूप में उभर कर आए। उन्होंने द्विदयुग के बाद ही छायावाद आया। वहां तत्सम शब्दावली को नवीन संदर्भों में प्रयुक्त कर उसे नवीन अर्थ भंगिमा दी। खड़ी बोली हिंदी में अद्भुत चित्रात्मकता और ध्वनियात्मकता पैदा कर उसे जीवंत व सरस बना दिया। खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना उस समय इतनी सरस नहीं थी, इन्होंने उसे सरस और जीवंत बना दिया। शब्दों के शिल्पी पंत जी ने सृजन की दृष्टि से ही हिंदी को सुदृढ़ नहीं किया, बल्कि उनमें अपनी भाषा के प्रति गहरा लगाव भी था, अनुराग भी था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में व्याप्त राष्ट्रभाषा आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति अपनी निष्ठा को बार बार प्रकट किया और भारतीयों को परकिया भाषा की क्षट ममता छोड़ने के लिए प्रेरित किया। खड़ी बोली हिंदी को काव्य के लिए लायक बना दिया। आधुनिक हिंदी काव्य को नवीन सौंदर्य बोध, भाव गौरव, भाषा सामर्थ्य तथा नया छंद विधान प्रदान कर पंत जी ने खड़ी बोली हिंदी तथा काव्य का जो उत्कर्ष किया, वह उनकी हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण देन है। कई काव्य कृतियां और गद्य कृतियां लिख करके हिंदी साहित्य के जो खजाना आकर है उसको इन्होंने समृद्ध किया और प्रकृति चित्रण में इनको महारत हासिल थी। इनकी जो कविताएं हर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रसाद निराला महादेवी के साथ साथ पढ़ी जाती हैं, क्योंकि यही छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थे। प्रकृति के प्रति इनकी जो मोह था, ममता थी, वह जग जाहिर है। तो इस प्रकार सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितिर कवि कहलाते हैं, सुकुमार कवि कहलाते हैं, जो इन प्रसिद्ध कवियों के साथ साथ अपने को इन्होंने स्थापित किया और आज हम इन्हें हिंदी साहित्य को समृद्ध, हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए हमेशा याद रखेंगे। तो इस प्रकार आज का जो यह पाठ है यही समाप्त होता है। देखते रहें, पढ़ते रहें, नोट करते रहें। धन्यवाद।